अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सुबह बख़ैर और खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को, प्यारे प्यारे बच्चों को और उनके घरों में रहने वाले बुज़ुर्गों को। आपको पता है, जब से हम लोगों ने सुबह सुबह आगाज़ करना शुरू किया है हमारे नेशनल एंथम से, मुझे हर रोज़ जो है अपने स्कूल की याद आ जाती है। जब सुबह सुबह हम उठ के जाया करते थे और असेंबली हुआ करती थी और असेंबली में हमारे नेशनल एंथम बजता था, और उस ज़माने के अंदर शायद मानी का भी नहीं पता था कि क्या होता है, यकजहती क्या होती है, इत्तेहाद क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो एक ट्रेनिंग का सिलसिला होता है। आप जब बच्चे होते हो वो सारी चीज़ें सीख रहे होते हो, मगर सीख तो रहे होते हो मगर मतलब उस तरह से नहीं पता होता। मगर ये कि आज जब इस तरह से यहाँ पे अपने सेट के ऊपर खड़े होके अपने मुल्क का नेशनल एंथम जब बजता है तो इतना दिल को अच्छा भी लगता है, और वही चीज़ें जो मुझे लगता है कि आज हमारी कौम के अंदर, हमारी आवाम के अंदर, लोगों के अंदर जिसकी बहुत कमी हो गई है, वो जो एक जोश और वलवला जो सिर्फ तब आता है जब कोई ऐसा सानहा या वाक़िया हो जाता है, तो तब हम मिली नगमे, नेशनल एंथम और ये तमाम चीज़ें जो हैं, उस तरह की बातें हो रही होती हैं तो वो जोश और वलवला आता है। मगर ये सिलसिला जो हम लोगों ने शुरू किया है प्लस ने और ऑब्वियसली आपकी सहेली ने, उसका रीज़न ही है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ बिल्कुल डाल दें कि जो हमारे पाकिस्तान की मोहब्बत है। अक्सर लोग, मैंने देखा है कि पाकिस्तान में ठीक है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं हैं, मगर हमें यही सोचना है ना कि वो हम ही हैं जिनकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हैं, और हम बैठ के अपने अपने ड्राॅइंग रूम्स में, अपने अपने घरों में, कैफ़ेज़ में, फ्रेंड्स में, फ़ैशन के तौर पर हम बात कर रहे होते हैं और पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये नमक हरामी है कि आप जहाँ पे रह के, जिस जगह पर बसते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपके आबाओ अजदाद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और हर चीज़ जो है वहीं से मिली, आप वहीं पे बैठ के उस मुल्क की, इस धरती माँ की जो है वो नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं और उसके खिलाफ पता नहीं क्या क्या कुछ बोल रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी मैं सुबह सुबह यहाँ आती हूँ तो मुझे वही याद आ जाती है, और जब हम यादों की बात करते हैं तो यादें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में, कभी आप उनको रंगों के साथ याद रखते हैं, कोई ऐसा रंग आ जाए, कोई ऐसी खुशबू हो, वो आपको खुशबू जो है आपको पुराने दौर में ले जाती है, कुछ यादें जो हैं उनसे मुंसलिक होती हैं कुछ खुशबुओं से, और कुछ मौसम भी ऐसे होते हैं जब कभी ऐसा होता है ना कि आप बारिश का मौसम हो गया है या कोई ऐसी कोई भी ऐसा मौसम है, इवन बहुत दफ़ा बहुत गर्मी जो है, हमेशा जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तो एकदम से आपको याद आता है कि जो आपकी आप बचपन में होते थे, आपकी नानी या आपकी दादी जो है आम ठंडे कर कर के आपको खिलाती थी, और आजकल तो मौसम ही आम का है, और ये तमाम यादें जो हैं हमारी ज़िंदगी में आती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जो उनका सहारा होता है वो यादें ही यादें रह जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रेजेंट को इन्जॉय नहीं कर रहे होते और प्रेजेंट को, मज़ीद जो आने वाला वक्त होगा, ऑब्वियसली अगर आज का वक्त आप गुजार रहे हैं और वो अच्छा गुजर जाएगा तो आने वाले वक्त में आपकी याद बन जाएगी, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी यादों के सहारे और अच्छी अच्छी बातें जो हुई होती हैं उनको ही याद करते रहते हैं और मज़ीद नई यादें नहीं बनाते। अब आपने सोचा होगा कि मैंने कितना याद 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 का ज़िक्र किया। जी बिल्कुल, याद का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि आज हमारे इस पूरे शो के अंदर भी याद ही का जिक्र होगा। वो इस तरह से कि हमारा एक प्ले जो बहुत जल्द आप ए प्लस की स्क्रीन्स पर देखेंगे, जिसका नाम है एक याद है, उसके प्रोमोज़ आजकल आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं यानी ए प्लस के ऊपर देख रहे हैं, बहुत जल्द आएगा। उस जो हमारा ड्रामा है, जो नया ड्रामा आने वाला है, जो कि बहुत हैवी बजटेड है, ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान की जो क्रीम कास्ट है वो उसके अंदर मौजूद है, इट्स ह्यूज मेगा कास्ट, स्टोरी लाइन इज़ अमेजिंग, एवरीथिंग, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि ए प्लस इज़ एंटरटेनमेंट चैनल और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंटरटेनमेंट दी जा सके हमारे
ड्रामा सीरियल्स के थ्रू, क्योंकि आपको याद होगा, याद ही की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पुरानी यादों में जब हमारी एक याद है कि क्लासिक ड्रामा हुआ करता था पीटीवी का, तो हम चाहते हैं कि वही रिवायत जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि कहा यह जाता है कि आप जितने मर्जी मॉडर्न हो जाएं, जो आपकी बुनियाद होती है ना, आपको उसको नहीं भूलना चाहिए और उसको याद रखें और उन्हीं लाइन्स को फॉलो करते हुए, ठीक है आप मॉडर्न ट्रेंड ज़रूर अपनाएं मगर वो करें तो चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। तो इसी चीज़ को याद रखते हुए एक नया ड्रामा हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एक याद है, और उसी के एक बहुत जो मेन लीडिंग कैरेक्टर कर रहे हैं, उसी लीडिंग कैरेक्टर से आपकी मुलाकात भी होगी आज हमारे इस शो में। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, वो कौन है शख्सियत, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे।